में लिक्विड ये उसमें कम से सबसे कम इसमें है, उससे ज़्यादा लिक्विड इसमें है और सबसे ज़्यादा लिक्विड उसमें है, तो प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा? पी वन पी टू पी थ्री में कौन बड़ा है? हाँ, अब प्रेशर पी वन पी टू पी थ्री तीनों बराबर होगा, तो पी वन बराबर पी टू बराबर पी थ्री होगा और ये बराबर होगा एच रो जी, प्रेशर बराबर होगा। क्यों? नॉट डिपेंड ऑन इट्स वेट, इसके वेट पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे डिपेंड करता है। अब एच यहाँ भी मिलेगा, एच यहाँ भी मिलेगा, एच यहाँ भी मिलेगा, तो तीनों जगह प्रेशर बराबर होगा। अब ये मत देखना कि अलग अलग वेट है लिक्विड का तो अलग अलग प्रेशर लिख देंगे ना, ये एच पे डिपेंड करेगा और रो इंटू जी से मल्टीप्लाई होकर प्रेशर बनेगा। और बच्चों ये पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री ये प्रेशर डिफरेंस अगर ना लें, ऊपर ओपन है, तो क्या लिखोगे? पी नॉट प्लस, क्या लिखोगे? पी नॉट प्लस। तो एच रो जी ठीक है लेकिन सही क्या होगा? पी नॉट प्लस। अगर मैं बॉटम पे प्रेशर डिफरेंस पूछता तब एच रो जी लिखते आप। अब बच्चों दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, ये सब एग्जाम्पल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट ठीक है इसे चेक करना है मेरे को, आप लोग ऐसे बताते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। बच्चों इस सवाल को देखिए, आप थोड़ा बना रहा हूँ समझ समझ के, बात समझना। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया मैं तीन जगह दिखा रहा हूँ, इसका एरिया है, इसका सबका एरिया दिख रहा है और ये कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, पानी एच हाइट तक है, यहाँ तक भरा हुआ है एच हाइट तक। इसके बाद मैंने ये दूसरा वाला कंटेनर लिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों इतना ही है और इसमें भी पानी भरा हुआ है, उतनी हाइट तक भरा हुआ है। इसमें भी एच हाइट तक भरा हुआ है, एच हाइट तक ये भरा हुआ है। इधर आता है, इसमें भी एच हाइट तक भरा हुआ है, ऐसे भरा हुआ, अब देखो क्रॉस सेक्शन एरिया तीनों में इक्वल है ना, इधर भी है इधर भी इधर भी है, एच हाइट भी तीनों में बराबर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, इस कंटेनर में भी
एच हाइट तक, उसमें भी एच हाइट तक, सब में एच हाइट तक भरा हुआ है। अब यहाँ मैंने एक प्रेशर मेजर करने के लिए डिवाइस लगाया है, यहाँ का प्रेशर गेज है P1, यहाँ का प्रेशर गेज है P2, यहाँ का प्रेशर गेज है P3, प्रेशर P1, P2, P3 है। बच्चों P1, P2, P3 दोनों में क्या, तीनों में क्या रिलेशन है? पहली बात तो P1, P2, P3 में क्या रिलेशन है? प्रेशर सेम है। अब देखो, इसका अगर पानी का वेट, इसमें W1 है, इसमें पानी का वेट W2 है, इसमें पानी का वेट W3 है, तो वेट तीनों पे, तीनों का वेट इक्वल होगा कि अलग अलग होगा? वेट और बच्चों बोलिए वेट क्या होगा? W1, W2, W3 डिफरेंट होगा, सबसे ज़्यादा वेट कौन सा होगा? W2, उसके बाद W1, इसके बाद W3। ओके राइट, चलिए वेट तो अलग अलग है। प्रेशर बॉटम पे, प्रेशर P1, P2, P3 बराबर अगर लिखा जाए तो P0 प्लस CH रो जी, बिकॉज डेंसिटी तो सबका एक ही है, एक ही डेंसिटी है। बच्चों ये बात तो समझ आ गया। अब एक बात ये समझना है कि ये जो बॉटम है ना, फोर्स ऑन बॉटम, बॉटम पे जो फोर्स लग रहा है F1, इसके बॉटम पे फोर्स जो लग रहा है F2, इसके बॉटम पे जो फोर्स लग रहा है F3, तो फोर्स F1 और F2 और F3 में क्या रिलेशन है? फोर्स ऑन बॉटम, सबसे ज्यादा फोर्स किसके बॉटम पे लगा हुआ है? फोर्स ऑन बॉटम, F1, F2, F3 में क्या रिलेशन है? वेट तो अलग अलग है, अगर वेट अलग अलग है तो फोर्स बॉटम पे क्या करेगा? अलग अलग लगाएगा कि इक्वल? वेट अलग अलग है, बॉटम पे फोर्स अलग अलग होगा कि इक्वल होगा? अब देखो यहाँ पे यही सवाल आया कि अलग अलग होगा इक्वल होगा, तो आपको लग रहा है कि इक्वल होगा, या आप लोग को लग रहा अलग अलग होगा? कोई लॉजिक से ही लग रहा होगा। तो देखो बॉटम पे जब फोर्स पूछा जाए तो फोर्स ऑन बॉटम इक्वल टू होगा प्रेशर डिफरेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, पास्कल्स लॉ, क्योंकि वो नॉर्मल फोर्स लगेगा। नॉर्मल फोर्स में प्रेशर डिफरेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया लगेगा, क्योंकि मैंने बॉटम लिखा है, बॉटम कंटेनर का बॉटम पे पूछ रहा हूँ। तो बच्चों जब प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया करोगे तो प्रेशर डिफरेंस तो सबका बराबर है, एच रो जी इनटू एरिया होगा, तो इसका मतलब सब पे फोर्स बराबर लगेगा। और कितना लगेगा, मतलब लगेगा तो कितना लगेगा, मतलब लगेगा तो ठीक है, कितना लगेगा, किसके बराबर लगेगा? तो बच्चों किसके बराबर लगेगा? वेट, कौन सा वेट काम करेगा? W1 के, W2 के, W3, तो ये इक्वल टू होगा W1, किसके इक्वल होगा? W1, क्योंकि जो इसका फोर्स F1 है उसमें हम जो कैलकुलेशन किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो एच रो जी आ रहा था कि नहीं, प्रेशर डिफरेंस इसी में आया था, तो इसका मतलब ये किसके बराबर लगेगा? W1 के बराबर लगेगा। तो जब यहाँ पे वेट कम है, यहाँ पे वेट कम है लेकिन बॉटम पे फोर्स ज़्यादा है, अगर कोई सवाल में पूछ ले किसी कंटेनर में पानी भरा है 10 किलो, तो उसके बॉटम पे लगने वाला फोर्स क्या है? 10 kg वेट, 9 kg वेट, 11 kg वेट, तो आंसर क्या है? तीनों। देखे कितना ख़राब सवाल आ गया। हाँ, अगर टीचर ने बोल दिया
कि एक कंटेनर में पानी, तीन कंटेनर हैं या कंटेनर में, यही बोला गया कि एक कंटेनर में 10 किलोग्राम पानी भरा है, तो उसके बॉटम पे फोर्स कितना लग रहा है? 10 केजी वेट, 11 केजी वेट, 9 केजी वेट, अब कौन सा बोलोगे? और चौथे में लिख देगा उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। अब बताओ ये खतरनाक सवाल हो गया कि नहीं? आदमी ये कभी बोलेगा उपरोक्त सभी? बोलेगा अरे कैसे 10 केजी है तो 9 केजी क्यों लगेगा, और 10 केजी है तो 11 केजी क्यों लगेगा? लेकिन आप देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि W2 ज़्यादा है लेकिन फोर्स W1 लग रहा है, W3 कम है लेकिन फोर्स W1 लग रहा है, पानी है 7 किलो फोर्स लग रहा 10 किलो, पानी है 20 किलो फोर्स लग रहा 10 किलो। समझ आया? तो ये अलग अलग यहाँ पे लगा। अब क्वेश्चन दूसरा आता है, अगर यहाँ पे पानी ज़्यादा है तो फोर्स कम क्यों लगा, और यहाँ पे पानी कम है तो फोर्स ज़्यादा क्यों लगा? सवाल आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब कौन फोर्स घटा रहा है और कौन फोर्स बढ़ा रहा है? अब देखो कौन घटा रहा है कौन बढ़ा रहा है वो बताने जा रहा हूँ। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं बच्चों। फोर्स ऑन बॉटम डेल्टा पी इंटू ए, और ये तीनों पे फोर्स बराबर होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर W1। अगर ऊपर से मैंने एरो लगाया है तो W1 प्लस P0E हो जाएगा। क्यों, क्या हो जाएगा? W1 प्लस P0A, ऊपर खुला हुआ है। एरिया कौन सा लेना है, ऊपर वाला कि बॉटम वाला? ऊपर वाला नहीं लिया है कहीं, बॉटम वाला। बड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, जगह जगह चीज़ें आ रही हैं, ध्यान से देखते जाएंगे। सही है? अब कम और ज़्यादा क्यों है ना, उसको ज़रा समझें आप। अब आपको एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, आगे बढ़ाऊँ? कम ज़्यादा कैसे समझाऊँ वही सोच रहा हूँ। चलो यहीं बना देता हूँ, यहीं बनाऊँगा बच्चों। यहीं देखो आप, आपने कॉपी पे अलग से डिस्क्राइब कर लेना, लेकिन देखो यहीं पे। अब कहानी आ रही है कि आखिर ये ज़्यादा कम क्यों हो रहा है। बच्चों लोग सुनो, इधर वेट तो लगेगा W2, ये तो सही बात है, सेंटर पे काम करेगा पूरा वेट और W2 नीचे काम करेगा ही करेगा, इसे कौन रोकेगा? और जब इस पानी ने इस पे फोर्स लगाया, कैसे लगाया? परपेंडिकुलर, फोर्स तो परपेंडिकुलर ही लगेगा, तो हर एक्शन का होता है रिएक्शन। तो जब इसने दीवार पे फोर्स लगाया तो दीवार क्या पानी को छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। अब ये दीवार लगा दिया फोर्स, इधर देखो पानी पे फोर्स लगा रहा है दीवार। अब ये जो फोर्स लगा रहा है पानी पे, दीवार लगा रहा है, और ये फोर्स F डैश कह दिया जाए, अगर ये कोई एंगल मान लो थीटा है, एंगल भी दिखा दूँ थोड़ा सही से दिखा दूँ, अगर ये थीटा है तो बच्चों, अगर ये थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। तो इस एफ डैश का एक कंपोनेंट इधर काम करेगा, उसी तरह से एक कंपोनेंट इधर काम करेगा और एक इधर काम करेगा और एक इधर काम करेगा। बच्चों बताओ आप, इधर का कंपोनेंट क्या होगा? एफ डैश साइन थीटा। इधर भी क्या काम करेगा? एफ डैश साइन थीटा, ओके। इधर क्या काम करेगा? एफ डैश कॉस थीटा। इधर क्या काम करेगा? एफ डैश कॉस थीटा। आपने क्या देखा? आप फिर से देखो, अच्छे से देखो, इधर लगा था वेट W2 और इधर की तरफ लग गया फोर्स अपवर्ड। अब इस W2 नीचे और ऊपर लग गया उतना, तो वेट कम हो गया कि नहीं? और वेट कम हो के कितना हो गया? W1। तो वेट कम क्यों हो गया, समझ में आ रहा? दीवार ने चौपट कर दिया,
इसलिए दीवार सही बनाना चाहिए। अगर दीवार और बाउंड्री खराब है तो भी गड़बड़ हो जाएगा, इसकी बाउंड्री गड़बड़ थी, रखा है ज़्यादा आ रहा है कम बाउंड्री के कारण। तो बाउंड्री वाल भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब आपने यहाँ पे क्या देखा, एफ वर्टिकल, बच्चों कौन सा फोर्स, वर्टिकल, क्वेश्चन पेपर में आएगा वर्टिकल फोर्स, और ये वर्टिकल फोर्स किसने लगाया है, दीवाल बाई वाल, ये वाल ने लगाया है। वर्टिकल फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, डब्लू टू माइनस डब्लू वन, समझ आया, आप इसको दिखा सकते हो ना, ऐसे दिखा सकते हो ना, डब्लू टू माइनस फोर्स एफ वी बराबर क्या डब्लू वन, एफ वी माने वर्टिकल फोर्स, इसी को एफ वी लिख रहे हैं। तो बच्चों लिक्विड वेव फोर्स ऊपर लग गया, समझ आया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, बोलेगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का इक्वल दे देगा, बोलेगा कि इसमें पानी है 10 किलोग्राम, इसमें पानी है 50 किलोग्राम, हाइट बराबर है, तो पूछेगा कि इस लिक्विड पर दीवार कितना फोर्स लगा रहा है, 40 आ गया कि नहीं आ गया, 10 किलोग्राम 10 और 50 किलोग्राम इधर है, एरिया बराबर है, हाइट बराबर है, और 10 किलो पानी इसमें 50 किलो इसमें, यहाँ पे भी 10 केजी आएगा, यहाँ भी 10 केजी आएगा, तो 50 केजी से 10 केजी आ रहा है ना, तो पूछेगा कि लिक्विड पे फोर्स कोई लगाया, तभी तो कम उसका वेट हो गया, तो कौन लगाया, दीवाल ने लगाया, दीवाल ने कितना लगाया, जितना अंतर आ गया 40 केजी, ये ऊपर की तरफ लग गया, समझ आया बच्चों। क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कॉम्पिटेटिव में, जो भी आप देख रहे हैं, जो बिल्कुल लगेगा कि ये वाला गलत है कि ये वाला सही है, उसी में कन्फ्यूजन हो जाएगा, उसी को सीखना है कि आखिर हो क्यों रहा है। अब आप तीसरा केस देखिएगा, तीसरा भी समझिएगा बच्चों, थर्ड वाला केस कहानी, थर्ड कहानी, तीसरी बात, क्रॉस सेक्शन एरिया यही है और इस दीवार को थोड़ा सा झुका दिया गया, अब झुका दिया गया, अब इसमें इसमें फोर्स की बात करेंगे, सभी लोग मेरे को समझाओ, बताओ इधर कितना काम कर रहा है, डब्लू थ्री, डब्लू थ्री आ रहा, ये पानी क्या करेगा, इस पर ऐसे फोर्स लगा देगा, पानी लगा दिया, अब पानी लगा दिया दीवार पर, तो दीवार पे जब लगा दिया तो दीवार अभी पानी को समझाएगा अभी, अब ये पहले तो पानी ही लगाया था, ये एक्शन है, और जैसे ये पानी फोर्स लगाया दीवार पर, तो दीवार लगा दिया रिएक्शन, बोला चलो तुम पानी इधर, ऐसे लगा दिया, इधर लगा दिया, उस एक्शन का रिएक्शन हो गया ये वाला। अब इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा बच्चों, देखो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, ये कैंसिल करेगा, पर एक कंपोनेंट नीचे होगा, एक कंपोनेंट नीचे होगा, और ये जो फोर्स नीचे वाला है इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्टिकल फोर्स, और ये वर्टिकल फोर्स कौन लगा रहा है, दीवार किस पे लगा रहा है, लिक्विड पर। अब ये जो फोर्स एफ वी है और डब्लू थ्री है, दोनों का सम हो गया, और जो सम होके जो नेट वेट आ रहा था, यहाँ पे प्रेशर पी और क्रॉस सेक्शन एरिया ए इसके बराबर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, एफ वी प्लस डब्लू थ्री बराबर प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, सही है। और प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ये डेल्टा पी वाला है, गेज प्रेशर लगा है ना, बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू वन। तो बच्चों वर्टिकल फोर्स यहाँ पे कितना लग गया, डब्लू वन माइनस डब्लू थ्री, ये केस हो गया। यहाँ पे वर्टिकल फोर्स है W2 माइनस W1, यहाँ पे है W1 माइनस W3, क्योंकि W1 ज़्यादा है। तो चलिए अब आपको ये कॉन्सेप्ट मिल गया कि किसी भी कंटेनर में अगर पानी भर दिया जाए
और उसके बॉटम पे फोर्स पूछे तो बहुत समझ के बोलना है कि क्या होगा। अगर वो दीवाल एकदम सीधा है तो एम जी के बराबर बोल देना, और अगर दीवाल टेढ़ा मेढ़ा है तो फिर संभल के बोलना। अगर वो कॉन्वेक्स, अगर वो फैल रहा है तो बॉटम पे फोर्स कम हो जाएगा वेट से, और अगर दब रहा है तो पानी के वेट से फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए? अगर मान लीजिए कि किसी कंटेनर में पानी भरा है और अगर उसके दीवाल को थोड़ा दबा दो तो बॉटम फूट जाएगा, हैं? और अगर बॉटम फूटने का डर है तो उसको फैला दो, बॉटम बच जाएगा। ये बताने का ये तरीका है कि इसे हम क्या कर सकते हैं, शेप को बदल कर बॉटम को तोड़ सकते हैं कि बचा सकते हैं। क्लियर हुआ मेरी बात? तो बॉटम पे फोर्स कब बढ़ेगा? जब वो झुकेगा, बॉटम की ओर झुकेगा तो बॉटम पे फोर्स बढ़ेगा, और बॉटम से दूर झुकेगा तो बॉटम पे फोर्स घटेगा। यही है कॉन्सेप्ट, तो ये भूलना मत ताकि ये दिमाग में रहे। और ये सवाल पूछा जाता है, बच्चे बहुत गलत करते हैं, वो हमेशा उल्टा पुल्टा जवाब दे के आते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी प्रेशर आप पढ़ रहे थे और ये काम हो गया। बच्चों अब फिर लिखोगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी कंटेनर में लिक्विड भरा है और वो रुका हुआ है कंटेनर, तो प्रेशर कितना आएगा वो तो आपने पढ़ा, एक बैरोमीटर और एक मैनोमीटर जो अभी बताया। अगर उस कंटेनर को चलाया जाए तो प्रेशर बदलेगा कि नहीं बदलेगा, इसे जानने का सवाल आया। तो अब क्या लिखेंगे? इफ़ेक्ट ऑफ मोशन। तो इफ़ेक्ट ऑफ मोशन ऑन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ कंटेनर ऑन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ कंटेनर ऑन प्रेशर। बच्चों इसे हम लोग अब चेक करेंगे। अब मोशन में कौन से मोशन पढ़ने हैं? मोशन तो दो ही होंगे, या तो हॉरिजॉन्टल होगा और या तो वर्टिकल होगा, तीसरा तो कुछ होगा नहीं। तीसरा जो भी होगा उसको हम दो भागों में फिर तोड़ देंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो ही पढ़ते हैं, तो पहले आप पढ़िए हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, फिर वर्टिकल पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन की बात पहले करेंगे। जैसे मान लो बच्चों, एक हमने कोई कंटेनर लिया, ये कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, अब कुछ हाइट तक भरा हुआ है, अप टू सर्टेन हाइट मान लो, यहाँ तक भरा हुआ है, भरा हुआ है। अभी सभी जगह बॉटम में सभी जगह प्रेशर इक्वल था, हर जगह प्रेशर इक्वल था, अभी सभी जगह इक्वल था, फिर मैंने क्या किया, इसको चला दिया। अब इसको चलाना कैसे? चलाना ऐसे है कि फोर्स लगे। आपने चलाया और फोर्स भी ना लगा तो क्या मतलब है चलाने का? तो चलाओ ऐसा कि फोर्स लगे।
तो चलाओ ऐसा कि फोर्स लगे, इसका मतलब चलाओ तो एक्सेलरेशन से चलाओ, कांस्टेंट वेलोसिटी से चला के क्या पाओगे, फोर्स ही नहीं लगेगा, चलाना भी बेकार हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको चलाया, कैसे चलाया, एक्सेलरेशन से, नॉट अ वेलोसिटी। वेलोसिटी से चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक्सेलरेशन से चलाने से कोई फ़ायदा होगा, कोई चेंज होगा, क्योंकि प्रेशर तभी लगेगा। और अब बच्चों ये एक्सेलरेशन से ये कंटेनर को मैं चलाने लगा, जब चलाने लगा तो फ्लूइड के अंदर क्या हुआ उसको जानने के लिए एक छोटा सा पहले हम स्ट्रिप बनाते हैं। आप ये मान लो कि आपने इतने लिक्विड को ले लिया, लिक्विड के अंदर इतने लिक्विड को आप मान लीजिए कि आप पढ़ने के लिए मान लिया, ले लिया। इसका बॉटम जो है, कंटेनर का बॉटम का लेंथ L है। अब बच्चों प्रेशर चारों तरफ लगता है, पास्कल ला है तो प्रेशर लगेगा, इधर P1 लगेगा और इधर P2 लगेगा। तो इधर जब फोर्स की बात हम करेंगे तो प्रेशर P2 है तो क्रॉस सेक्शन एरिया A लग जाएगा, इधर फोर्स की बात करेंगे तो P1 A लग जाएगा, और इसका लेंथ को हमने मान लिया X, और बच्चों ये जा रहा है एक्सेलरेशन A से। तो एक फोर्स यहाँ पे F1 है और एक फोर्स यहाँ पे F2 है। ज़रा न्यूटन का सेकंड लॉ इस पे लगा लो, फ्री बॉडी डायग्राम, आप इस पे न्यूटन लॉ लगाएंगे तो जा रहा है लिक्विड आगे की तरफ, तो कौन फोर्स ज़्यादा है, F2 ज़्यादा है, F1 अपोज करेगा। अब आप लिखोगे F2 - F1, न्यूटन्स लॉ क्या है बच्चों, यमे फोर्स एफ माने P2 - P1 इंटू ए, मास क्या है, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ए, ए से ए कैंसिल हो गया तो P2 का मान आ गया P1 + X ρ a। प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, प्रेशर पीछे की तरफ बढ़ रहा है, आगे कम है और पीछे की तरफ ज़्यादा है। देखो P2 ज़्यादा है, P1 कम है। अब अगर मैं यहाँ पे X = 0 ले लूँ और यहाँ पे X = L ले लूँ, और अगर बच्चों मान लूँ लेट प्रेशर एट X = 0 इज P1, मान लो P1 इसको मान लिया मैंने, अब मैं अपने हिसाब से वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। बच्चों मैंने माना कि प्रेशर एट X = 0 इज P1, तो आप बताना प्रेशर एट X = L क्या होगा, इज बोलो P2 होगा, और P2 का मान क्या होगा, P1 होगा कि उससे बड़ा होगा। अगर आप एक्सेलरेशन के पीछे की तरफ जा रहे हैं, जिधर कंटेनर जा रहा हो उसके पीछे की तरफ आप चेक करने जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, P1 + X - L ρ a, तो प्रेशर पीछे की तरफ बढ़ गया। ये मेरे को ये पता चला कि प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा। बच्चों ये समझ आया, अब इसको मैं चित्र बना के फिर से दिखाता हूँ। ये तो थ्योरेटिकल है कैसे आ रहा, लेकिन जो लास्ट में मेरे सामने दिखेगा जिसे हम समझेंगे वो कैसे दिखेगा, वैसे दिखेगा। वो बच्चों ऐसे दिखेगा, देखो देखो दिखा रहा हूँ, कंटेनर को मैं चला रहा हूँ, कंटेनर को चला रहा हूँ स्मॉल एक्सेलरेशन से, ऐसे चला रहा हूँ, और जब आप इस कंटेनर को चला रहे हैं तो प्रेशर डिफरेंस होगा और पीछे की तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो लिक्विड का सरफेस है वह ऐसे हो जाएगा। बच्चों जो लिक्विड का सरफेस है वो ऐसे हो जाएगा,
ये लिक्विड का मेनिस्कस ऐसे हो जाएगा, मतलब ये इस तरह का लिक्विड का लेयर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो लिक्विड का लेयर में कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले क्या था, पहले हॉरिजॉन्टल था, अभी लिक्विड का जो लेयर है ना वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल नहीं, इंक्लाइंड हो गया, ऐसा हो गया। अब सुनो बच्चों और बात, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट होगा, यहाँ भी प्रेशर पी नॉट होगा, हर जगह पी नॉट होगा। यहाँ पे अगर है तो यहाँ भी प्रेशर पी नॉट होगा। इस जगह मैंने माना है कि प्रेशर P1 है यहाँ पे, इस जगह मैंने माना है कि यहाँ पे प्रेशर P2 है, इसके बीच का लेंथ L है। अब ये लिक्विड का जो लेवल है इधर ऊपर उड़ गया, H2 होगा, इधर भी कुछ ऊपर है, H1 होगा, इधर ही H1 होगा, इधर H2, इधर H1 होगा। बच्चों और सुनो, ये मेनिस्कस कुछ एंगल बना रहा है, और जो एंगल बना रहा वो एंगल यहाँ पे मैंने थीटा ले ली, यहाँ पे एंगल क्या ले लिया, थीटा ले लिया। तो ज़्यादा भीड़ है, थोड़ा कम कर दो, अच्छा लगेगा देखने में। ये थीटा हो गया। अब मेनिस्कस कितना एंगल बना रहा है, टेन थीटा का मान लिखोगे तो टेन थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बच्चों ये वाला H2 माइनस H1, तो टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर H2 माइनस H1 अपान L, ये टेन थीटा हो गया, सही है, ये टेन थीटा का मान हो गया। अब टेन थीटा बराबर H2 माइनस H1, अब उसको कैसे लिखेंगे उसको भी देखो, समझा रहा हूँ, कोई बात समझा रहा हूँ। आप यहाँ देखिए बच्चों लोग, प्रेशर का जो आपने भी पढ़ा ना, P2 बराबर क्या लिखा था, P1 प्लस L रो, याद आ रहा है? तो P2 माइनस P1 जब करोगे तो L रो A आएगा, या ऐसे ना करो, ऐसे करो, P2 बराबर लिखोगे P0 प्लस H2 रो जी, बराबर P1 लिखोगे P0 प्लस H1 रो जी, बराबर बच्चों आप लिखोगे L रो A, और ये P0 से P0 काट दो। अगर ये P0 से P0 काट दिया जाए तो अब हमें मिल जाएगा H2 माइनस H1 इंटू जी बराबर